एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको गिफ्ट्स फ्री एनर्जी के बारे में बताऊंगा भाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे प्रीवियस वीडियो की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन और बॉर्न हाइवर साइकिल के बारे में बताया था भाई, समाया। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल क्या किया था, सॉल्व किया था भाई। ठीक हो गया, हमने ये न्यूमेरिकल क्या किया था, सॉल्व किया था। देखो भाई, इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था जो लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी होता है उसकी वैल्यू क्या आती है भाई, उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, समाया। लेकिन ये जो आंसर था ये मैंने लास्ट में पॉजिटिव लिख दिया था भाई। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू जो आएगी ये क्या आ जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अब हम आगे बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो देखो भाई, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। देखो, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास एक वर्ड होता है, उस वर्ड को बोलते हैं सुहाग। क्या बोलेंगे, सुहाग। ठीक हो गया, एस का मीन्स होता है एंट्रोपी, एस का मीन्स है एंट्रोपी। यू का मीन्स है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और एच का मीन्स है एंथैल्पी। ए है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और जी जो है उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट दूंगा भाई कि गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक हो गया, तो देखो भाई, जो फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एंथैल्पी माइनस टीएस एनर्जी। समय याद रखना, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, वो होता है एंथैल्पी माइनस टीएस एनर्जी। देखो भाई, अगर मैंने दोनों तरफ चेंज लेना चाहूंगा, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है, देखो भाई, मेरे पास अगर इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एस है, जी है और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, ये सारे के सारे जो हुए ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन के अराउंड आते हैं। हम एग्जैक्ट वैल्यू इन फंक्शनों की मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हम इन चीज़ों की बात करते हैं भाई। ठीक हो गया, तो देखो सिमिलरली अब मैं बात करूंगा चेंज इन फ्री एनर्जी की। देखो मैंने आपको बताया कि हम फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम हमेशा बात करेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी की। तो ये आएगा डेल जी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल एच माइनस क्या आएगा, डेल और ब्रैकेट में क्या है, टी एस। समाया देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की, किसकी बात करता हूँ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की। ठीक हो गया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है भाई, देखो तो जो ये टी है वो क्या आ जाएगा, डेल यानी कि डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक हो गया, देखो भाई इससे हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक हो गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो एंथैल्पी होता है उसकी हम बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, किसकी बात करते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया, अगर मेरे पास चेंज इन फ्री एनर्जी है तो उसकी बात हम किस पे करते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे करते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी इस इक्वेशन ए से दिया जाता है भाई। ठीक हो गया, अब देखो भाई, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब आता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, किसकी बात करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, किसकी बात करेंगे, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखो भाई, बहुत सारे लोग मानते हैं अगर डेल एच चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होता है समय, तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मींस पॉजिटिव है, तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है समाया। लेकिन याद रखना,
मैंने डेल एच की बात की थी, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब जो रिएक्शन है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, समझ। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला कि जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी वो हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन देखा गया कि बहुत सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो थी लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं थी, स्पॉन्टेनियस नहीं थी, मतलब कुछ और भी फैक्टर है जिसके बिहाव पे हम स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करते हैं, समय। केवल एंथैल्पी निगेटिव और पॉजिटिव लेकर के हम ये नहीं बोल सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो भाई, लेट अस सपोज मैंने अपनी लैब में एक रिएक्शन लगाई, ठीक हो गया, रिएक्शन लगाई, और इस रिएक्शन में मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है, समाया, एंट्रोपी चेंज निकालना है। उस एंट्रोपी चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी और देन सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, समाया, सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये बहुत इम्पॉसिबल है कि आप सराउंडिंग की एंट्रोपी ईजिली उस एक्सपेरिमेंट से निकाल सको, समाया। तो हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया लेते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लेते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, समाया, जिसको टैकल करना बहुत आसान है, चेंज इन फ्री एनर्जी की बात करते हैं, समाया, कि फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू हो भाई, समाया, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बने, और फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू हो कि रिएक्शन क्या बने, नॉन स्पॉन्टेनियस बने, समाया। तो अब हम इसी बात पर डिबेट करेंगे। तो देखो भाई, देखो मैंने आपको बताया था जो डेल जी होता है वो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। देखो भाई, जो डेल एस टोटल होता है, टोटल वो होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक हो गया। देखो भाई, देखो जो एंट्रोपी हम बताते हैं, एंट्रोपी होता है चेंज इन हीट डी क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समय। अगर हम किसी सिस्टम को, देखो भाई किस तरह से समझते हैं एंट्रोपी को, अगर हम किसी सिस्टम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टी क्या है भाई, कांस्टेंट है, समय, फिक्स टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में कितना रैंडमनेस आ रहा है, समय, उस रैंडमनेस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एंट्रोपी बोलते हैं, समझ आया, एंट्रोपी समझ में आया, एंट्रोपी क्या बोला, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, समझ, और हीट दे रहे हैं तो इससे सिस्टम में कितना रैंडमनेस आया, कितना डिसऑर्डर आया, उस रैंडमनेस को क्या बोलते हैं, उस रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी, क्या बात करते हैं भाई, एंट्रोपी, ठीक हो गया। तो देखो जो डेल एस टोटल है, डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस ऑफ सिस्टम, मैं इसे डेल एस ही लिख लेता हूँ, प्लस जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग उसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और ये टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का, सराउंडिंग लिख देता हूँ, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, जो डी क्यू सराउंडिंग होगा, समय, इज इक्वल्स टू वो होगा माइनस डी क्यू ऑफ सिस्टम, समाया। और देखो भाई, ये जो डी क्यू होता है ये क्या है, हीट कंटेंट है, क्या है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, किसकी बात कर रहा हूँ, हीट कंटेंट की, समय, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम है। तो ये क्या हुआ, देखो भाई, डेल एस टोटल मैं निकाला था, डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस ऑफ सिस्टम माइनस, इसको लिख सकता हूँ डी क्यू ऑफ सिस्टम, समझ, और डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग, ऐसे लिख सकता हूँ, टी ऑफ सराउंडिंग, ठीक हो गया। आगे देखो भाई, जो टोटल हीट कंटेंट होता है, हीट कंटेंट उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, डेल एच, समझ, और अगर ये डी क्यू निगेटिव है तो ये एंथैल्पी भी क्या होगी, निगेटिव होगी, समझ। तो देखो डेल एच टोटल इज इक्वल्स टू, डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम माइनस ये क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी ऑफ सराउंडिंग। अब देखो भाई इधर कर लेते हैं, जो डेल एस टोटल है, डेल एस टोटल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
टी ऑफ सराउंडिंग डेल एस माइनस डेल एच और बाई में आ जाएगा टी ऑफ सराउंडिंग। समय एलसीएम ले लिया और ये वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये आ जाएगा टी ऑफ सराउंडिंग डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू टी ऑफ सराउंडिंग और ये आएगा डेल एस माइनस डेल एच। समाया अब सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट मान दिया, मैंने कहा फिक्स है, ठीक है, जितना टेम्परेचर सिस्टम का था उतना टेम्परेचर सराउंडिंग का था, लेट अस कंसीडर, मैंने उसे टी कंसीडर कर दिया, टी डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू टी और ये आएगा डेल एस और माइनस क्या आएगा डेल एच, ठीक है। इसको मैं आगे इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस ये आएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। समय ये जो इक्वेशन पहली वाली है जिसको मैंने ए कंसीडर किया हुआ था, समाया ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल जी के बराबर। समाया अब देखो भाई, अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, देखो यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला, जो फ्री एनर्जी था समाया वो किसके बराबर था, वो था माइनस टी डेल एस के और ये क्या था टोटल। समाया देखो भाई, इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मुझे स्पॉन्टेनिटी देखनी है समय, तो उसके लिए मुझे केवल किसकी ज़रूरत है, डेल जी की ज़रूरत है। समय मुझे उस रिएक्शन की एंथैल्पी और एंट्रोपी के बिहाव पे स्पॉन्टेनिटी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। समय देखो भाई, मुझे पता है अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समय तो देखो इस वाली इक्वेशन में लगाओ डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव, तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो भाई ये वैल्यू है नेगेटिव और डेल एस है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। तो इट मींस अगर मेरे पास एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, समाया एक रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है, तो उस रिएक्शन के लिए मुझे डेल जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। समाया तो अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक हो गया। और देखो भाई समाया देखो, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए जो डेल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो से क्या होती है, छोटी होती है, यानी कि निगेटिव होती है। समाया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक हो गया भाई। अगर निगेटिव होगी तो इट मीन्स जो डेल जी है वो क्या हो जाएगा भाई, इस वाले इक्वेशन में रखो निगेटिव, तो ये ऑलरेडी पहले निगेटिव है, डेल एस भी निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समाया तो इट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। समाया भाई देखो भाई, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में रिमार्क करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। समाया देखो, सबसे पहले बात मैंने की थी, अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चेक करना हो तो उसके लिए मैं नहीं देखूंगा कि डेल एस का क्या साइन है, डेल एस का क्या साइन है, मैं क्या निकालूंगा, चेंज इन फ्री एनर्जी निकालूंगा। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक हो गया। इतनी बात याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो, तो देखो भाई देखो, तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताया था, समय अगर किसी भी रिएक्शन की अगर स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो तो उसके लिए डेल जी यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। समय स्पॉन्टेनियस के लिए, अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है। समय और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर जो रिएक्शन है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो याद रखना उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो कितनी आती है,
जीरो आती है। समझ अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो याद रखना उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी क्या आती है, जीरो आती है। समाया तो कहीं पे भी अगर चेंज इन फ्री एनर्जी का जो साइन है वो निगेटिव दिखे तो रिएक्शन को क्या बोलना, वो है स्पॉन्टेनियस। समाया अगर चेंज इन फ्री एनर्जी का साइज पॉजिटिव दिखे तो इसका मतलब वो है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल जी की वैल्यू जीरो दिखे तो इट मींस जो रिएक्शन है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम में है भाई, ठीक हो गया। देखो आगे बात करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सनमाया, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। देखो लेट अस सपोज मेरे पास जो डेल एच है वो क्या है, निगेटिव है। समय जो डेल एस है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समय तो मुझे बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो भाई देखो जो डेल जी होता है वो क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये होता है। देखो भाई डेल एच की जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, माइनस ये है टी, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है समय, लेकिन जो डेल एस है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव। तो देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस समय, और ऑलरेडी ये भी क्या है, माइनस है, और जो माइनस माइनस को ऐड करोगे तो जो टोटल आएगा वो भी क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव आएगा समय। इट मीन्स जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, निगेटिव, और निगेटिव आ जाएगी तो इट मीन्स जो रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू आई वो क्या आई, निगेटिव, इट मीन्स जो रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस। देखो भाई जो दूसरी कंडीशन है, डेल एच जो है उसमें क्या है, पॉजिटिव है समाया, और जो डेल एस है वो क्या है, निगेटिव है। तो बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो भाई देखो फिर देखो जो डेल जी होता है वो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक हो गया। तो देखो भाई जो डेल एच है वो क्या है, वो है पॉजिटिव, वो क्या है, पॉजिटिव, माइनस जो टी है, टी वो तो पॉजिटिव ही रहेगा समाया। अब देखो बात है एंट्रोपी की, तो जो एंट्रोपी है वो क्या दे रखी है, निगेटिव दे रखी है समाया। तो देखो भाई एंट्रोपी अगर निगेटिव होगी तो ये आगे वाले निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, पॉजिटिव, और जो एंथैल्पी है वो भी क्या है, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में ऐड करोगे तो जो डेल जी आएगा वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, डेल जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव समाया। तो डेल जी का साइन क्या आ गया भाई, वो आ गया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो भाई अगली जो कंडीशन लेते हैं वो कंडीशन है दोनों की वैल्यू निगेटिव है तो क्या होगा भाई, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है भाई समाया। देखो भाई लेट अस सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है समाया, इस सिस्टम से मैं हीट ले रहा हूँ, कितना हीट ले रहा हूँ, -500 जूल समाया। तो ये चेंज इन एंथैल्पी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, वो किसके बराबर आ गया, -500 जूल। ये वाला चल रहा है भाई, एंथैल्पी यहाँ पे निगेटिव है इसलिए यहाँ पे भी निगेटिव ले रखी है। और देखो भाई यहाँ पे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा समाया, जरूरी नहीं है कि हर बार हीट लेने से सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ही होगा समाया। देखो तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो -2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया समाया, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो क्या है, निगेटिव है समाया। तो इस हिसाब से मैंने लगाया कि जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है समाया। तो दो टेम्परेचर है भाई, एक बार जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैंने माना लो टेम्परेचर, और दूसरा टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर जिसको मैंने 500 डिग्री सेल्सियस मान दिया, क्या मान दिया, 500 डिग्री सेल्सियस समय, इसको मैंने माना हाई टेम्परेचर, ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, ठीक हो गया। अब देखो भाई अब मैं वैल्यू निकालूंगा डेल जी की, तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस समाया, और डेल जी इज इक्वल्स टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। देखो भाई पहला जो मैं सॉल्व करूंगा ये होगा लो टेम्परेचर के लिए, और दूसरा जो मैं सॉल्व करूंगा वो होगा हाई टेम्परेचर के लिए समाया।
तो देखो भाई वैल्यू पुट करो तो जो डेल जी होगा वो हो जाएगा, डेल एच कितना है भाई, डेल एच की वैल्यू है -500 जूल, कितनी है -500 जूल, समाया माइनस टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, समाया 100 डिग्री सेल्सियस, इंटू जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कितना है -2 क्या आ जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा -500 और मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +200, और ये किस में आया आंसर जूल में, तो जो डेल जी आया है वो कितना आया है 300 जूल, लेकिन वो किसका है निगेटिव। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा डेल एच कितना है -500 माइनस, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, हाई में मैंने टेम्परेचर कितना लिया है 500 इंटू -2, समाया तो डेल जी इज इक्वल्स टू कितना आया -500 +1000, ओवरऑल जो डेल जी आया वो क्या आया 500 जूल, समाया। देखो भाई अगर टेम्परेचर हाई है समाया तो जो डेल जी आ रहा है वो क्या है पॉजिटिव है, समाया। और अगर याद रखना टेम्परेचर लो है तो जो डेल जी है वो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, समय। इट मीन्स अगर मेरे पास डेल एच निगेटिव है, डेल एच जो है वो भी निगेटिव है, समय, तो लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, और हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स अगर टेम्परेचर लो है तो लो पे क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और अगर हाई है तो इस पे क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, समझाया। क्यों क्यों देखो भाई लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है जो डेल एच है उसी की तो वैल्यू क्या हो जा रही है डोमिनेंट हो जा रही है, समझाया। किस पे डोमिनेंट हो जा रही है टी डेल एच पे, समझाया। तो क्यों हो जाएगी क्योंकि डेल एच की वैल्यू क्या हो रही है टी डेल एच से क्या हो जा रही है ज़्यादा हो जा रही है, और ओवरऑल डेल जी जो आ जा रहा है वो क्या जा रहा है निगेटिव। दूसरे वाले टर्म में देखो जो हाई टेम्परेचर है उसमें जो टी डेलस है समय उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है हाई हो जा रही है, किससे डेलस से, तभी तो वैल्यू क्या आ जा रही है तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है भाई, समय। इट मीन्स इस वाली कंडीशन में जो टी डेलस है समय वो डेलस से क्या है बड़ा है भाई, ठीक हो गया। तो देखो ऊपर की जो दो कंडीशन थी उस कंडीशन में मैंने बहुत आसानी से बता दिया था ये वाली और ये वाली कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अगर डेल जी और डेल एस की वैल्यू निगेटिव हुई टेम्परेचर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, समाया। अब एक और लास्ट केस है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, समाया, तो क्या होगा। तो देखो एक फिर उसी टाइप का एक सिस्टम बना लेते हैं, समाया। यहाँ पे क्या हो रहा है इस बार सिस्टम को हीट दी जा रही है 500 जूल, ये डेल एच है, समाया। और इस हीट के कारण सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या है 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, समाया। यहाँ पे रिएक्शन दो टेम्परेचर पे कराई जा रही है, एक टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और जो दूसरा टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। तो देखो भाई अब बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो सिमिलर दो केस बनाओ। एक तो है लो टेम्परेचर का केस जिसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, और दूसरा है हाई टेम्परेचर का, किसका हाई टेम्परेचर का, समय, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ 500 डिग्री सेल्सियस, समय। ये टेम्परेचर मैंने अपने मन से अज्यूम कर रखे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हर बार अगर 500 होगा तो क्या हो जाएगा हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन से अज्यूम कर रखी है ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो देखो भाई लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो डेल जी होता है वो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दो डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो देखो भाई जो डेल एच है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है ये है 500 माइनस टी जो है वो क्या है 100 इंटू एंट्रोपी कितना है पॉजिटिव 2 है, समय, तो कितना आया 500 माइनस 200, समय, तो कितना बच गया 300 जूल।
कौन सा टर्म डोमिनेट पड़ गया, ये वाला टर्म डोमिनेट पड़ गया है, समाया, तभी तो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो डेल एच जो है वो तो 500 है ही, माइनस टेम्परेचर हाई ले रखा है यानी कि 500 इंटू जो डेल एच है वो कितना है 2, तो ये आ गया 500 माइनस 1000, तो कितना आ गया भाई, जो डेल जी है उसकी वैल्यू आ गई है माइनस 500 जूल, समाया। पहला जो कंडीशन है ये वाला डेल जी, वहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, वो वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है नेगेटिव, समाया। पिछले वाले केस के रिवर्स हो गया, समाया। तो देखो भाई इट मींस जो लो टेम्परेचर है वहाँ पे रिएक्शन इस बार नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो यानी कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, समाया। तो लो टेम्परेचर की बात करो तो कौन सा टर्म डोमिनेट हो जा रहा है, ये डेल एच वाला, तो यानी कि डेल एच की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है किससे, टी डेल एस से, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूँ, हाई टेम्परेचर में ये वाला जो टर्म है वो डोमिनेट हो जा रहा है, इट मीन्स जो टी डेल एच था वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है किससे, डेल एच से, समाया। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेल एच है और डेल एस है, समाया, इसका साइन किस तरह से डेल जी की वैल्यू डिसाइड करता है, समाया। पहले दो में तो मैंने ये देखा कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है, वहाँ पे टेम्परेचर कुछ काम कर ही नहीं रहा है, लेकिन जो बाद के जो दो फैक्टर हैं, समाया, इसमें टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा कि डेल जी का साइन क्या होगा, समाया। तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल एच, डेल एस और किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो रही है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये 2005 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक हो गया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ, रिमार्क करके देखो, याद रखना अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, ठीक हो गया। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव, जो रिएक्शन है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल जी इज इक्वल्स टू जीरो आता है तो जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे, समाया। तो देखो भाई इसका फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, टी डेल एस इज इक्वल्स टू डेल एच होता है, समाया, और बोल रहा है डेल एच और डेल एस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, समाया। तो देखो भाई डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक हो गया। तो जो डेल एच है वो तो पॉजिटिव है, माइनस टी और जो डेल एस है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, समाया। तो ये भी पॉजिटिव है और माइनस जो डेल एस है वो भी पॉजिटिव था, तो देखो जो वैल्यू डेल एच की है वही वैल्यू डेल एस की भी है, समाया। इट मीन्स अगर सेम में से सेम नंबर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। इट मीन्स जो रिएक्शन है वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम पे है, किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक हो गया भाई। इसका मीन्स चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं भाई, ठीक हो गया। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, उसने बोला है टी डेल एस इज लेस देन डेल एच, समाया, और जो डेल एच है और डेल एस है वो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, समाया। देखो भाई डेल एच जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस ये टेम्परेचर है टी, ये तो पॉजिटिव ही रहता है, इंटू डेल एस भी क्या है, पॉजिटिव है, समाया। तो पॉजिटिव माइनस ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, समाया। अब देखो कौन सी वैल्यू डोमिनेट कर रही है, तो जो डेल एच है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, तो ये वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डोमिनेट करेगी इस वाली वैल्यू पे, समाया। तो जो टोटल आंसर आएगा ये वाला बड़ा है, समाया, लेट अस सपोज 10 मान लेता हूँ, ये वाला जो है ये छोटा है, इट मीन्स इसको 2 मान लेता हूँ। अब 10 में से 2 गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव 8 आएगा ना, प्लस 8 आएगा, तो इसका मतलब है जो डेल जी आएगा भाई, समय, जो डेल जी आएगा वो क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, जो डेल जी है वो क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे देखो भाई, ऑप्शन ए भी गलत हो गया भाई, ठीक हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं भाई। उसमें क्या है, टी डेलेस जो है वो डेलेच से बड़ा है, उसमें डेलेच और डेलेस समाया, इसमें डेलेच जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और जो डेलेस है वो क्या है भाई, नेगेटिव है, समाया। तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेलेच माइनस टी डेल एस, ठीक हो गया। अब देखो भाई, डेलेच जो है वो तो क्या है, पॉजिटिव है, माइनस टी क्या है, पॉजिटिव है, इंटू डेलेच जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो उसने इसको भी क्या कर दिया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो गया, पॉजिटिव, समाया। तो जो डेल जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डेल जी वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर डेल जी पॉजिटिव है इट मीन्स जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आगे देखो भाई, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, इसकी बात करते हैं सी ऑप्शन की। इस ऑप्शन में क्या है, इसमें दिया है टी डेलेच जो है वो डेलेच से बड़ा होता है, समय, और जो डेलेच और डेलेस है, समय, वो क्या होता है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो डेल जी लगाओ, डेल जी इज इक्वल्स टू क्या आता है, डेलेच माइनस टी डेल एस। तो डेलेच क्या है, पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, माइनस टी जो डेलेस है वो भी क्या है, पॉजिटिव, समय। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अब बताओ भाई कौन सा वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा था, कौन सा वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, ये जो टी डेलेस वाला पार्ट है, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो याद रखना, अगर माइनस टेन में से अगर मैंने वो छोटा वाला पार्ट टू ऐड कर दिया तो जो आंसर आया वो नेगेटिव ही आएगा, समय। इट मीन्स जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। जो डेल जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, समय भाई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन भी क्या है भाई, गलत है, ठीक हो गया। देखो भाई मैं आपको क्विक रिवाइज दे देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने बताया जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ठीक हो गया। फिर मैंने बोला था जो फ्री एनर्जी चेंज है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, समय। तो ये टी उस डेल से क्या आ गया, बाहर, समय। इसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लेता हूँ, ये इक्वेशन टू कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि जो डेल जी है उससे पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक हो गया। या ये पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है, किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक हो गया। अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल जी की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक हो गया भाई। एक मैंने आपको टेबल कराई थी भाई जिसके बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा था डेल जी की वैल्यू निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। रिमार्क करके याद रखना, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई भी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, समय, तो उस रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिपेंड करती है डेलेच पे, वो डिपेंड करती है डेलेस पे, और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, समाया। तभी तो बात की डेल जी इज इक्वल्स टू क्या था, डेलेच माइनस टी डेल एस, ठीक हो गया। यानी कि जो रिएक्शन है, समाया, उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि उसका एच निगेटिव है या पॉजिटिव है, और जो उसका डेलेस है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मुझे स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो तो केवल मैं किसकी बात करूँगा, मैं बात करूँगा किसकी बात करूँगा, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल जी की बात करूँगा, समाया भाई, इसकी बात करूँगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।